अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज हमारा इनपेज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम इनपेज की फाइल को पीडीएफ फॉर्म में सेव करना सीखेंगे। इससे पहले हमने इनपेज की फाइल को सेव करना सीखा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पीडीएफ फॉर्म है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले इसमें जाना है फाइल पे, और यहाँ से हमने जाना है प्रिंट पे। प्रिंट पे जाने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है नेम में, प्रिंटर के नेम में हमें सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और उसके बाद इसको सिंपली ओके कर देना है, और यहाँ से भी इसको यस कर देना है। और फिर हम जाएंगे, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ फाइल। मैंने लिखा इन पेज पीडीएफ फाइल, ठीक है, मैं ये नाम रख देता हूँ, और मैं यहाँ इसको ओके कर दूँ। अब हम देखते हैं इन पेज पे, हमारे पास जो इन पेज की जो फाइल है ये डेस्कटॉप पे आ गई है। बिल्कुल देखें, इन पेज पीडीएफ फाइल आ चुकी है। इसको खोल के भी देख लेते हैं। देखें, जो इन पेज पे हमने फाइल बनाई थी वो सारी हमारी पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि पीडीएफ एक ऐसी फॉर्म है जो कि मोस्ट पोर्टेबल फॉर्म है। मतलब इसमें हम आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सेम रहता है, बल्कि जबकि अमूमन जो है वो इन पेज की फाइल हो या वर्ड की फाइल हो, वो अगर आप उसी फॉर्म में, एक्सेल की फाइल अगर उसी फॉर्म में भेजते हैं, तो वो वेरी करती है जिस जगह आपने भेजी है उनके पास कौन सा वर्जन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसका कौन सा वर्जन है। तो लेकिन अगर आप पीडीएफ बना लेते हैं तो वो फिर आपकी जो है वो बिल्कुल भी चेंजेस उसमें नहीं आती। सारा जो भी सैम्पल वगैरह है वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जिस तरह आपने पीडीएफ बनाई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।